हेलो स्टूडेंट, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ सरल समीकरणों के साथ जो हमारी प्रश्नावली 8.4 के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सरल समीकरणों से। आज पहली सरल समीकरण है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। ठीक है, ये सरल समीकरण क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सरल समीकरण अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारे लिए जो प्रश्नावली 8.4 है ये क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है। तो ये सरल समीकरण हमें याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसी आपको और सरल समीकरण भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो 1 + 10 स्क्वायर है, अगर एक सरल समीकरण है 1 + 10 स्क्वायर है। ठीक है, दूसरी है 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए। ये सारी समीकरण आपको सब याद कर लेनी है। ठीक है, एक होती है cos स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होता है हमारा cot स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होता है cos स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसी तरह की और सरल समीकरणें भी होती हैं। अगर हम साइन ए बराबर देखें, बराबर होता है 1/, साइन ए बराबर होता है हमारा 1/ कोशे के। ठीक है, साइन ए बराबर होता है हमारा 1/ कोशे के। एंड यहां से अगर हम कोशे के देखें तो कैसे का उल्टा क्या होता है, कैसे किसका उल्टा होता है, साइन का। तो 1/sin A। ठीक है, 1/sin A। ऐसे ही अगर कॉस ए देखें, ठीक है, ऐसे अगर कॉस ए देखोगे तो कॉस ए बराबर होता है 1/sec A। अगर आप sec A बराबर देखोगे तो 1/cos A। sec A बराबर देखोगे 1/cos A। अगर 10 A बराबर देखोगे 10 A बराबर होता है 1/cot A, और cot A बराबर होगा इसका बिल्कुल अपोजिट 1/10 A। बिल्कुल इजी सरल समीकरण है। ठीक है, बिल्कुल इजी सरल समीकरण है, और ये सरल समीकरण हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे हमें सारी सरल समीकरण याद कर लेनी। और 10 A बराबर एक और होती है, 10 A बराबर होता है sin A/cos A। जो अधिकतर जो हमारी सरल समीकरण यूज की जाती है यही 10 A बराबर sin A/cos A एंड cot A बराबर होता है हमारा cos A/sin A। ठीक है, तो ये जो सरल समीकरण है हमारी, ठीक है, ये हमारी जो सरल समीकरण है ये हमें क्या कर लेनी, याद कर लेनी, और यहां से हमारे क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये सरल समीकरण हम याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन करना हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्नावली 8.4 का जो प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला खंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला खंड क्या है हमारा, आठ दशमलव चार प्रश्न 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला खंड है हमारा 9 sec² a - 9 tan² a। 9 sec² a - 9 tan² a। ठीक है, बोल रहा है कि बराबर किसके बराबर है, हमें ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, बराबर है, हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं हमें 1980, एक दूसरा ऑप्शन दे रखा है 9, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 8, चौथा ऑप्शन दे रखा है 0। ठीक है, हमें दिखाना है कि 9 sec² a - 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है। 9 sec² a - 9 tan² a किसके बराबर है। ठीक है, देखो हमें यहां से 9 9 क्या मिलता है, यहां से हमें कॉमन मिलता है, हम तो 9 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 9 sec² a - 10 स्क्वायर ए हमारा अंदर बच जाएगा, 9 sec² a - 10 स्क्वायर ए हमारा
अंदर बच जाएगा। अगर 9 को हम बाहर ले लें, अगर यहाँ से 9 बाहर लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ एक, यहाँ एक की तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, यहाँ पे मेरा बच गया, ठीक है। अब देखो sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, कोई सर्वसुमिका है हमारे पास ऐसी, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, ठीक है, कोई सर्वसुमिका है, ठीक है, ऐसी कोई सर्वसुमिका हमें देखनी है, ठीक है। देखो sec स्क्वायर 10 स्क्वायर है, ये सर्वसुमिका हमें दिख रही है। अगर हम, हमें क्या चाहिए 10, ठीक है। अगर यहां से हम 10 का पक्षांतर कर देंगे, ठीक है, अगर यहां से हम 10 का पक्षांतर कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। देखो अगर यहां से 10 का पक्षांतर करूंगा मैं, ठीक है, अगर मैं यहां से 10 का पक्षांतर करता हूँ, मेरी सर्वसुमिका है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए। अगर मैं यहां से 10 का पक्षांतर करूं तो ए बराबर आएगा मेरा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या है, एक। sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या है, एक। तो 9 गुणा 1 बराबर होता है 9, 9 एकम 9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 9, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। एंड अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने तो हमें सर्वसमिकाएं जरूर याद कर लेनी, अगर हमें सर्वसमिका याद नहीं है तो हम किसी भी क्वेश्चन को इसके हल नहीं कर सकते, ठीक है। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरा 1 प्लस 10 थीटा प्लस sin थीटा 1 माइनस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक है। सबसे पहले इन सवालों को हल करने से पहले मेरे जितने भी इस प्रश्नावली में सवाल है, इसको मुझे क्या करना है, साइन और कॉस में तोड़ देना है, ठीक है। अगर मैं साइन और कॉस में तोड़ता हूँ, मेरे लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या करना है, साइन और कॉस में टूटता है, ये पहले तो सबसे पहले देखना है कोई सर्वसमिका लग रही है, ठीक है। अगर सर्वसमिका नहीं लग रही है तो मुझे क्या करना है, सबको साइन और कॉस में तोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 थीटा, आपको मैंने एक सर्वसमिका बताई थी, 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 10 थीटा की जगह में रख दूंगा 1 प्लस sin थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड sec थीटा। sec थीटा बराबर, एक सर्वसमिका बताई थी मैंने आपको, 1 प्लस 1 अपॉन sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा, ये मैंने आपको सर्वसमिका बताई थी, ठीक है। एंड यहां भी वही करना है, 1 माइनस cot थीटा, cot थीटा बराबर मैंने आपको सर्वसमिका बताई थी, cot थीटा बराबर मैंने आपको बताई थी cos थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कोशेक थीटा बराबर बताई थी 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये थी यहाँ की सरसमिका है हमारी, यहाँ पे भी बट्टे एक कर देंगे, यहाँ पे भी बट्टे एक कर देंगे, ठीक है, दोनों जगह बट्टे एक कर दिया। आप क्या करना है, बिल्कुल इजी है, आप क्या करेंगे, हम दोनों जगह लॉसो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ भी लॉसो ले लो, यहाँ भी लॉसो ले लो। अगर यहाँ हम लॉसो लेते तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, कॉस 1 कॉस, कॉस का लॉसो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, ठीक है। तो 1 को cos से गुणा करेंगे तो cos ही आ जाएगा, तो cos ही कम cos, प्लस कॉस की कॉस से करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, एंड कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ यहाँ सॉल्व करेंगे तो साइन इसका लॉस आएगा, ठीक है, 1 sin sin का लॉस, साइन ही आएगा, 1 से sin 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 थीटा यहाँ पे आ जाएगा, माइनस साइन से साइन 1 हो गया, तो यहाँ पे कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस 1, यहां पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्लस में है यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस cot थीटा माइनस कोशेक थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस में है तो सब जगह प्लस आएगा, ठीक है, माइनस आ गया। अब इसको हम यहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहां से हमने सॉल्व किया, हमारे पास इतना आंसर आ गया। देखो आप, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये इतना एक भाग है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। मेरे पास एक सूत्र होता है, a+b a-b, a+a a-b, a+b a-b, ये एक सर्वसमिका देखी थी मैंने, a+b a-b, मैंने पढ़ाया था आपको, a+b a-b क्या होता है, a² - b² होता है, a² - b² ठीक है। देखो इतना a मान लो, a+b a-b,
ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इतना ये है, इतना रख के इतना आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ए स्क्वायर दोनों में ए क्या है, इतना कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का ए स्क्वायर माइनस बी एक का स्क्वायर, बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा एक दूसरे से गुणा हो जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसके बाद ठीक है, एक का वर्ग क्या होगा, एक का वर्ग हमारा एक ही होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फिर दूसरी सर्वसमिका यहाँ पे फिर लगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। फिर एक सर्वसमिका और लगेगी यहाँ पे, ठीक है, फिर एक सर्वसमिका और लगेगी, देखो ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इतना ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ए की जगह क्या है, ए प्लस बी है, ठीक है। ए की जगह क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस बराबर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस टू ए क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। यहां पे माइनस वन भी आएगा, ठीक है, ये वाला माइनस, माइनस एक का स्क्वायर एक, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना सॉल्व हुआ, ठीक है। अगर इसके बाद इसको आगे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब क्या आएगा हमारे पास, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक सर्वसमिका होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा, आपको मैंने बताया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन, बराबर होता है वन, ये सर्वसमिका है। देखो कॉस थीटा का स्क्वायर मैया कॉस स्क्वायर थीटा एक ही बात होती है, साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा कर दो एक ही बात है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इतना बराबर होता है वन, ठीक है, इतना बराबर हो गया वन प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, हमारे पास यहां क्या बचा, टू कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, अब हमारे पास मात्र क्या बचा, दो, और यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, ठीक है, तो यही आपका टू क्या है, टू है आपका आंसर, ठीक है, यही टू आपका क्या है, आंसर है। और ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सर्वसमिकाएं सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर सर्वसमिकाएं आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन आप यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। इसमें यहाँ पे सर्वसमिका लगी, दो सर्वसमिका ये लगी, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व भी किया हमने, इधर सॉल्व भी किया, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी सर्वसमिकाएं लग रही हैं, ठीक है, तो वो सर्वसमिकाएं अगर आपको याद हैं, आपने अगर जितनी मैं सबसे पहले आपको वीडियो के पहले में आपको जितनी ज्यादा सर्वसमिकाएं लिखा रखी, अगर वो सारी आपने याद कर ली एंड आप क्लास 9th में ये सारी सर्वसमिकाएं आपको वहां पे दी वो याद कर ली, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखते हैं इसका अगला तीसरा खंड, तीसरा खंड है सेग ए प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए बराबर है, ठीक है। ऑप्शन दिए सेक ए साइन ए कोसेक ए और सेक ए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जहां तक है अगर आपको सर्वसमिकाएं लग रही है तो पहले सर्वसमिकाएं देखो उसके बाद साइन कोश में तोड़ो, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, मैंने आपको सेक ए बताया था, ठीक है, मैंने आपको सह के बनाया था, सह के बराबर क्या था, वन अपॉन कॉस ए, मैंने अभी आपको सर्वसमिकाएं लिखा रखी, ठीक है, वन अपॉन कॉस ए, ठीक है, प्लस टेन ए, टेन ए मैंने आपको क्या बताया था, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। एंड वन माइनस साइन ए ऐसे ही रहने दो, वन माइनस साइन ए साइन में पहले से ही टूटा हुआ है साइन ए, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे हम, सिंपल लॉसो ले लेंगे, ठीक है, लॉसो ले लेंगे, कॉस और कॉस का लॉसो कॉस,
ए, ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो यहाँ पे एक प्लस कॉस ए कैंसिल साइन ए, वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए, ठीक है, बट्टे एक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है आपका, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है हमारा, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी है ए माइनस बी, ए स्क्वायर क्या है, ए एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर की जाएगा क्या आएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, को एक से गुणा करूंगा तो कॉस ए। ठीक है, तो एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है। अब कुछ सर्व सर्विस में क्या लिखा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर वन होता है। आपको इस सर्विस में क्या लिखाई थी मैंने, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन होता है। यहां से कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा, मैं यहाँ वन यहीं पे रहने दो, इसका पक्षांतर करूँ तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है मेरा, कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए के बट्टे में नीचे कॉस ए है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि ये कॉस क्या है, कॉस ए दो बार है अपॉन कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस ए कैंसिल करो, आंसर बचा कॉस ए। ठीक है, तो आंसर क्या है, ठीक है कॉस ए। ठीक है, एक ऑप्शन मैंने दो बार से उतार दिया, यहाँ पे कॉस था। ठीक है, तो आंसर इसका कॉस ए ही है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या है, कॉस ए है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एंड सरल समीकरण याद करना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं इसका, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन है इसका, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, देखो हम पहले देखते हैं कि इसमें कोई सर्वसमिका लग रही है। ठीक है, तो अगर सर्वसमिका लग रही है तो पहले हम इसमें सर्वसमिका लगाएंगे, एंड नहीं लग रही है तो साइन कॉस में तोड़ेंगे। ठीक है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है मेरा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, सर्वसमिका मेरी लग रही है सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर वन। ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए अपॉन, ठीक है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए मेरा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर मेरा होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अगर मैं सेक स्क्वायर ए देखूं तो सेक स्क्वायर ए को भी मैं तोड़ सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है मेरा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए क्या होता है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर ये अपॉन आ गया बड़ा अपॉन। ठीक है, वन अपॉन अब कॉस स्क्वायर ए, कॉस किसका उल्टा होता है साइन का, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही आएगा, यहां गुणा हो जाएगी साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन ये वन, इससे गुणा हो जाएगा, तो वन से ये गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर चार। ठीक है, क्या किया देखो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए था। ठीक है, सबसे पहले ये था, तो यहां से वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। सेक को तोड़ सकते हैं वन अपॉन कॉस में, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस
कोसेक को तोड़ तक सकते हैं वन अपॉन साइन भी, क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन होता है तो वन अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर है अपॉन वन अपॉन साइन स्क्वायर है, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर है ये जाके इसके साथ उल्टा गुणा होगा, ठीक है, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ गुणा होगा, ठीक है, ये इसके साथ होता है, ये इसके साथ होता है, तो ऐसे गुणा की मैंने, तो वन गुणा साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है क्या होता है टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, फोर्थ कंप्लीट हो गया। एंड आपको क्वेश्चन करने तो यार पहले सरल समीकरण आप याद कर लेना, ठीक है, सरल समीकरण याद कर लेना, कक्षा 9 की जितनी सरल समीकरण है वो याद कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए आसान है अगर ये सब आप याद कर लेते हैं, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से अपने शेयर करने को कहें, सब्सक्राइब करवाएं। ओके, थैंक यू।